हेलो, मैं सत्यम अरवंशी। मेरा आज का टॉपिक है एंटोमोलॉजी में बेसिक पॉइंट, बेसिक की एंटोमोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं कि एंटोमोलॉजी है क्या। तो एंटोमोलॉजी सबसे पहले ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। एंटोमोलॉजी कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमोन प्लस लॉजी। एंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब कहने का है कि इंसेक्ट की स्टडी करना ही क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी, या वह शाखा जिसमें इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। अब इंसेक्ट ये भी जान लेते हैं, इंसेक्ट किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो उस फाइलम का नाम है क्या, आर्थ्रोपोडा। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अब समझ लेते हैं आर्थ्रोपोडा है क्या। तो आर्थ्रोपोडा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्थ्रो प्लस पोडा। आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंटेड, और पोडा का मतलब क्या होता है, लेग या फुट। तो ऐसे जीव जिसमें जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं वह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो भी जीव हैं, उसमें जो भी जीव आएंगे उसमें उनका जो लेग होगा वह क्या होगा, जॉइंटेड होगा, जॉइंटेड लेग पाए जाएंगे। अब फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो मेन क्लासेस हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जो मेन क्लासेस हैं वह सेवन है। तो सेवन है, सेवन मेन क्लासेस जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं उसमें आपका ओनिकोफोरा, उसमें आपका क्रस्टेशिया, उसमें आपका अरेक्नीडा, उसमें आपका चिलोपोडा, उसमें आपका डिप्लोपोडा, ट्राइलोपिटा और हेक्सापोडा, हेक्सापोडा या इंसेक्ट आता है। अब ओनिकोफोरा में हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ओनिकोफोरा में आपका आता है पेरिपेटस। क्या आता है, पेरिपेटस। क्रस्टेशिया में क्या आता है, प्रॉन, क्रैब। अरग्निडा में क्या आता है, अरग्निडा में स्पाइडर आता है। क्या आता है, स्पाइडर माइट, स्पाइडर माइट आता है। चिलोपोडा में क्या आता है, सेंटीपीड आता है, सेंटीपीड। अब सेंटीपीड आता है, और सेंटीपीड में इसमें ये करेक्टरी हो गया है कि इसके बॉडी में जो सेगमेंट होते हैं हर एक सेगमेंट पे वन पेयर लेग आर प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर लेग आर प्रेजेंट होते हैं। और सेंटीपीड में वन पेयर लेग आर प्रेजेंट होते हैं। और जो डिप्लोपोडा होता है उसमें आपका मिलीपीड आता है, इसमें टू पेयर लेग्स आर प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट, ईच सेगमेंट। और ट्राइलोबिटा, इसको इंस्टिंक्ट के नाम से जाना जाता है, इंस्टिंक्ट है। अब हेक्सापोडा की बात करते हैं, हेक्सापोडा इंस्टिंक्ट है, और ये हेक्सापोडा, हेक्सापोडा या इंसेक्टा, इंसेक्टा जो क्लास है। अब इसमें आपका एग्जांपल आता है क्या, इंसेक्ट। तो आपने देखा इंसेक्ट हमारा किस क्लास के अंतर्गत है, क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आता है। तो इंसेक्ट का फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट का फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट का क्लास क्या हो गया, इंसेक्टा हो गया, इंसेक्ट का क्लास इंसेक्टा हो गया। अब हम इंसेक्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इंसेक्ट जान लेते हैं कि इंसेक्ट की बॉडी, इंसेक्ट बॉडी जो होती है बॉडी, वह तीन रीजन में बटी होती है, तीन रीजन में बटी होती है। उसमें आपका कौन कौन सा है, हेड, इसमें आपका हेड होता है, दूसरा थोरेक्स होता है रीजन, और तीसरा रीजन जो होता है वो आपका एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन। अब हम समझ लेते हैं हेड में कितने सेगमेंट होते हैं, सिक्स सेगमेंट होते हैं, सिक्स सेगमेंट होते हैं। थोरेक्स में थ्री सेगमेंट होते हैं,
और एब्डोमेन में आपके 8 to 11 सेगमेंट होते हैं। तो टोटल अगर सेगमेंट की बात करेंगे इनसेट की बॉडी में तो आपका होता है कितना, टोटल सेगमेंट की बात करेंगे इंसेक्ट में, एक आइडियल इंसेक्ट में तो होता है वह 20। 20 कैसे होता है, 6 हेड के हो गया प्लस 3 थोरिक से हो गया प्लस 11 एब्डोमेन को हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 6 3 9 और प्लस 11 20 हो गया। एक आइडियल इंसेक्ट में 20 सेगमेंट पाए जाते हैं बॉडी में। अब आपका, अब हेड में सेगमेंट की बात कर लेते हैं, उसमें आपका क्या क्या होता है, पहला सेगमेंट कौन सा होता है, एंटी नरी, दूसरा सेगमेंट इंटर कैलरी, तीसरा सेगमेंट मैंडी बुलरी, चौथा सेगमेंट मैगजी लरी, पांचवा सेगमेंट लेबियल, छठा सेगमेंट ओकुलर, छठा सेगमेंट क्या है, ओकुलर है। तो हेड में 6 सेगमेंट पाए जाते हैं, उस सेगमेंट का नाम क्या है, एंटीनरी, इंटरकैलरी, मैंडिबुलरी, मैक्सिलरी, लेबियल और ओकुलर। अब थोरिक्स की बात करते हैं, थोरिक्स में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, कौन कौन से, प्रोथोरिक्स, मेसोथोरिक्स और तीसरा मेटाथोरिक्स। अब प्रोथोरिक्स, मेसोथोरिक्स, प्रोथोरिक्स, मेसोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स, ये तीनों सेगमेंट पे वन पेयर लेग्स आर प्रेजेंट, वन पेयर लेग्स आर प्रेजेंट होते हैं, प्रोथोरिक्स पे वन पेयर, मेसोथोरिक्स पे वन पेयर, मेटाथोरिक्स पे। तो टोटल कंप्लीट जो है 3 पेयर लेग्स आर प्रेजेंट इन इंसेक्ट। और साथ ही देखते हैं इंसेक्ट में जो विंग होता है वह वन पेयर मेसोथोरिक्स पे और वन पेयर मेटाथोरिक्स पे, तो 1+1=2 पेयर विंग्स आर प्रेजेंट ऑन इंसेक्ट बॉडी। तो ये हमारा टॉपिक आज का यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।